सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं BMPS के बारे में जो कि आज स्टार्ट होने वाला है। तो टाइमिंग क्या होगा, कौन सी टीम्स का होगा आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट है, बहुत सारे अनाउंसमेंट, कुछ न्यूज़ भी है और कार्निवल गेमिंग की तरफ से रिप्लाई आया है। कुछ प्लेयर्स ने रिप्लाई दिया क्यों कार्निवल गेमिंग ब्रेक हुआ है, कुछ चीज़ें हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कल कुछ बंदों ने सपोर्ट किया था, जैसे देख सकते हो अकदास, अर्जुन, प्रीतेश, त्रिलोक एंड प्रवीण भाई, थैंक यू सो मच यार सपोर्ट करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लो, बहुत सारे लोग नहीं किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल एक टूर्नामेंट खत्म हुआ था, उसमें चैंपियन बने थे WSB गेमिंग, ओमेगा ज्वाइन किया और जीत भी गए एक टूर्नामेंट है। वेल थर्ड पार्टी टूर्नामेंट है एंड सेकंड पे रेवेनेंट आए, थर्ड पे मोगो ईस्पोर्ट्स आए। स्टैंडिंग्स देखोगे तो भाई रेवेनेंट और मोगो का सेम पॉइंट था, बट मोगो क्या फिनिशेस निकाले हैं। फिर आगे ओरैंगुटैन, FS, गॉडस्टेन्स, टीम तमिलास, लिम्रा, तो यहाँ पे डिसेंट खेले, मतलब पोजीशन पॉइंट, फिनिश पॉइंट दोनों निकाल कर चल रहे थे। आगे देखोगे तो लेगेसी, कार्निवल, विंड गॉड, इनसेन, फैटेलिटी, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, एस्ट्रोकिड एंड RVNC। तो यहाँ पे इनसेन और गॉड लाइक का भाई कितना कम प्लेसमेंट पॉइंट है, फिनिशिस पॉइंट पे फोकस किए थे। वैसे ये टूर्नामेंट था जो कि खत्म हो चुका है और इसमें MVP एस पावर बने हैं। बाकी भी प्लेयर्स देख सकते हो, FS के ट्रेस गॉड, फिर WSB के गॉड्स है, विज गॉड है एंड AKOP है जो कि खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं आज का BMPS के बारे में। तो स्ट्रीम शेड्यूल हो चुका है, 3 PM पे शेड्यूल है, मतलब जो मैचेस होगा वो 3:30 या 3:45 मैक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन सा ग्रुप का होगा वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, मतलब पहले ग्रुप वन था, बाद में यहाँ पे देखोगे तो ब्लू सेट ग्रुप वन एंड टू, दोनों ग्रुप का यहाँ पे नाम डाल दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में दोनों ग्रुप डिटेल भी था। तो मेरे हिसाब से शायद ऐसा कर सकते हैं कि आज ग्रुप वन का 3 मैच होगा, बाकी ग्रुप टू का भी 3 मैच होगा और कल सेम फिर 3-3 मैच होगा। मैंने को बताया था राउंड वन में पहले 6 मैचेस होगा हर एक टीम का, उसके बाद ग्रुप रीशफल भी होगा। अब देखो यहाँ पे कंफर्म तो नहीं है, मैं अपने व्हाट्सएप पे कुछ देर में कंफर्म बता दूंगा, तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट जो मैंने बताया 3-3 मैच वैसा ही हो सकता है। अब ग्रुपिंग क्या होगा, कौन सी टीम्स किस में है, तो वो देख सकते हो। ग्रुप वन गॉड्स नेस, बिग ब्रदर, मेडल ई स्पोर्ट्स, TMG, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, फोर किंग, रिप मिजो, ड्रैगन ई स्पोर्ट्स, K9, आगे इसमें I4I है, इनर्सिया है और INS, तो ये कुछ T1 टीम्स हैं, बाकी तो अंडरडॉग्स भी हैं, तो मज़ा आने वाला है। एंड ग्रुप टू ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, 8-bit, टीम सी, GenX FM, इम्प्रिंट, आगे RVNC, VST, घुसो ई स्पोर्ट्स है एंड इसमें 4M4 मिरेकल्स आदि की टीम, एंड आगे तो अंडरडॉग्स हैं। तो ये कुछ यहाँ पे टीम्स हो गया, तो मज़ा आने वाला है भाई यहाँ पे, मतलब बहुत सारी T1 टीम्स आज हम लोग खेलते हुए देखने को मिल जाएगी। और जो टीम्स नहीं है जैसे सोल, गॉड लाइक, वो लोग का आने वाले टाइम में होगा, मतलब अभी थोड़ा सा टाइम है, 2-3 दिन वेट करो। और मे बी वो लोग का स्क्रीम्स होगा, बट शायद स्क्रीम्स जो होता है वो ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि भाई आपको पता है BMPS के टाइम में कोई और लाइव स्ट्रीम टूर्नामेंट या स्क्रीम्स नहीं चल सकता है। अगर ऑनलाइन होता है, जैसे ये तो स्टार्ट होगा 3 PM के बाद, तो हो सकता है पहले 12 PM से कोई स्क्रीम्स स्टार्ट हो जाए। अगर वैसा होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप पे अपडेट दे दूंगा, फॉलो कर लो। और ये हो गया भाई BMPS के बारे में, बाकी तो भाई यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट समझाया ही था, अगर जानना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में। तो ड्रिगर ज्वाइन कर चुके हैं वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, ये कल अनाउंसमेंट आ गया। और साथ में जो न्यूज़ आ रहा था सोल और TX का चेंजेस के बारे में, वो कन्फर्म हो गया। निंजा और जोकर का स्वैप हो चुका है कन्फर्मेशन, कल एक वीडियो आया था भाई, थोड़ा सा इमोशनल वीडियो था, बढ़िया था, मतलब बहुत ही मस्त वीडियो था, तो यस जो मैंने बताया था कन्फर्म था। फिर उसके बाद हेडिस, जो कि गोडा के मैनेजर एक तरह से, वो शेयर किए थे, हेडिंग बैक टू मुंबई, गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्यू रोस्टर्स स्टार्टिंग विथ वैलोरेंट, ऑल्सो सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 रोस्टर्स विथ एडिशन ऑफ पोकेमॉन यूनाइट, एक्सपेक्ट्स अनदर बैंगर लाइनअप इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, द गेम हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। मतलब यहाँ पे गोडला का न्यू रोस्टर अनाउंसमेंट आएगा, जो कि अभी थोड़ा टाइम है, और जैसे बताए वैलोरेंट का इस बार होने वाला है, तो बढ़िया बात है। एंड फिर नेक्स्ट है रेवेनेंट के बारे में, तो देख सकते हो क्रिएटिव्स ज्वाइन कर चुके हैं रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स इन PGMI लाइनअप, मतलब ये एक अंडरडॉग प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। एंड साथ में अलीबाबा रेडर्स का लाइनअप रिवील हो चुका है, देख सकते हो रैल्फ, क्रिस, प्रो, रोमन, गॉड्स, तो ये अलीबाबा रेडर्स का लाइनअप हो गया। फिर BMPS के लिए यहाँ पे एक पोस्ट आया था क्राफ्टन का, IQ00Z9S सीरीज ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर, तो जितना मुझे न्यूज़ मिल रहा है इस बार जो लैन होगा BMPS वो IQ का डिवाइस में होने वाला है, शायद ये डिवाइस हो, जो भी होगा भाई अभी तो यहाँ पे ऑफलाइन हो रहा है, मतलब घर पे बैठ के खेल रहे हैं, तो सब अपना ही डिवाइस में खेल रहे हैं, जो भी उनके पास प्लेयर्स के पास डिवाइस है। फिर कुछ प्रिडिक्शन के बारे में, तो मेजी भाई ने एक ट्वीट किया,
पता नहीं इस बार भी मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। इन माई ओपिनियन टॉप थ्री इस बार भी नहीं, मतलब BGIS के टाइम में वो प्रिडिक्ट किए थे BGIS में टॉप थ्री सोल नहीं आएगी, और वैसा ही हुआ था। सोल #4 पे रही थी और उनको लग रहा है वापस से BMPS में भी सेम रहेगा। भाई मेजी भाई का प्रिडिक्शन इस साल तो बढ़िया जा रहा है, क्या लगता है आप लोगों को कमेंट में बताना। और चेंजेस तो हुआ है, मैंने आपको बताया निंजा का, तो मेरे हिसाब से भाई देखो अगर चलेगा लाइनअप तो फाड़ने वाला है, बस कोऑर्डिनेशन सही रहे। एंड फिर उसी के साथ जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, कुछ यहाँ पे सीन हो गया था गेमिंग कम्युनिटी में, मतलब स्काउट भाई, गोल्डी भाई और ट्विटर पे जो सीन हुआ था, मतलब मैटर हुआ था, तो उस चीज़ पे कुल द ग्रेट ने अपने ट्विटर पे एक शेयर किए, ब्लेमिंग टॉक्सिक फैंस फॉर एवरीथिंग इन गेमिंग हैज बिकम इजी स्क्रेपगोट एंड ब्लेम शिफ्टिंग व्हाइल +99% ऑफ देम आर अमेजिंग एंड से देयर पॉइंट विदाउट यूजिंग फाउल वर्ड्स, यू कैन शो योर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट बाय नॉट डूइंग दिस, वी ऑल गेट ओवर द लिमिट समटाइम्स बट इट इज बेटर टू बैक ऑफ एंड नॉट डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन। वही कि यहाँ पे भाई गुस्सा आता है बहुत सारे लोगों को, बट उसमें यहाँ पे निकालना ये चीज़ यहाँ पे भाई, और जो यहाँ पे सीन हुआ था भाई बहुत ज़्यादा गाली गलौच हो गया था, तो वही यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे। साथ में कल नियो भी स्ट्रीम करे थे, वो भी इस चीज़ पर बात करते हैं और वो थोड़ा डिफेंड करते हैं स्काउट भाई को, मतलब वो बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे चीज़ होता है, मतलब भाई जब एक्सट्रीम लेवल हो जाता है तो गुस्सा निकल ही जाता है, तो वो यहाँ पे क्या बोलते हैं सुन सकते हो। कि वो जो कॉन्वर्जेशन में देखा, ठीक है, मेरे को वो कॉन्वर्जेशन का ये मतलब समझा कि वो दो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे वो बंदे की हरकत से, जो जायज है, एक इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके होगा ही, अगर कोई उसको पोक करेगा, कोई साधु संत नहीं है, तुम पोक करते रहोगे फ्रस्ट्रेट होगा ही। मैंने कहा है कि मैं गाली देना छोड़ दिया, यू नेवर नो, मुझे कोई पोक करता रहेगा एक टाइम बाद मैं भी ब्लास्ट होकर गाली दूंगा, वो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है वो। तुम उनको पोक कर रहे हो एक टाइम बाद वो ब्लास्ट होंगे ही, वो ब्लास्ट हो गए, मुझसे गाली निकल गई, गलत दिख गए वो अल्टीमेटली। और वो बंदे ने वो टाइम पे क्या सोचा कि गाली नहीं देता हूँ, गाली दूंगा तो मैं भी गलत दिख जाऊंगा। वो बंदे ने देखो, बंदा नहीं दे सकता था गाली, दे सकता था वो, बट उसने क्या बोला, नहीं गाली दूंगा तो गलत दिख जाऊंगा, नहीं दी उसने। तो इसका इससे ये सच तो नहीं छुपता ना कि ब्रो कि तुम एक्चुअली में हेट दे रहे हो भाई, ऑब्वियसली उसका नाम भाई वो दे रहा ही है हेट, जस्ट बिकॉज वो एक इस पे आके बात कर रहा है, मैच्योरली होने से वो मैच्योर नहीं हो गया। कि लोग इतने वेल्ले होते अपने लाइफ में कि वो उनको मजा नहीं आ रहा ना तो बोल देंगे, ऐसा लिखते कमेंट में लिटरली कि हाँ मैं सोल फैन हूं बट आई हैव टू एडमिट कि गॉडलाइक इज द बेस्ट टीम, और सोल वाले किलर्स के, सोल वाले फिर हेट दे रहे हैं सोल फैन, और फिर सोल के इसमें लिखेंगे कि हाँ मैं गॉडलाइक फैन बट आई हैव टू एडमिट सोल इज द मोस्ट एग्रेसिव टीम, फिर गॉडलाइक वाले किलर्स के। यही करते हैं लोग कि फैंस किसी के नहीं है बट दिखाएंगे हम इनके फैंस और हेट देंगे उनको हम इन। अब वो बंदे ने गॉडलाइक का नाम लिया, अब सबको लगेगा गॉडलाइक के फैंस इतना टॉक्सिक है, सिंपल सी बात। कल को उसका ही कोई दोस्त रहेगा जो सोल का फैन दिखा के गॉडलाइक को हेट देगा, सारा हेट सोल को मिलेगा। ये कुछ फैंस नहीं है, ये किसी के फैंस नहीं है, यही तो वो समझा रहे थे, किसी के फैंस नहीं है। अब पहला बात तो सही है कि यहाँ पे हर एक बंदा का एक लिमिट होता है, खासकर भाई यहाँ पे नियो स्काउट बोलो भाई, यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा सा गुस्सेर बंदे हैं, मतलब भाई बोलो पहले भी आप लोगों को पता है कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो बोलो भी बड़े हो चुके हैं और ऑनलाइन भाई ये सब चीज़ करना सही नहीं होता भाई, यहाँ पे जो गाली देता है उनका यहाँ पे इमेज खराब होता ही है, ये तो भाई हम लोग पहले से देखते आए हैं। उससे बढ़िया भाई कि जो हेटर है उसको ब्लॉक कर दो, इग्नोर कर दो। एंड एक और जो यहाँ पे बात करते हैं, जो कुछ फैंस है, फैंस बोलो या जो बोलो यहाँ पे कुछ बंदे जो जानबूझ के हेट फैलाते हैं, मतलब है वो बोलते हैं कि मैं इसका फ़ैन हूँ, मैं ये हूँ और वो ख़राब खेल रहा है, ये ऐसा है वैसा है, ये तो भाई मैं बहुत जगह देखा हूँ, आप लोग भी देखे होंगे। तो जानबूझ के भाई यहाँ पे ये सब चीज़ किया जाता है जिससे यहाँ पे और हेटरेट फैले ऑक्स के बीच में, खासकर फैंस के बीच में, और ये बढ़ता रहता है। तो इसलिए भाई मैं बोलता हूँ इग्नोर करो वो सब कमेंट्स को। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कार्निवल गेमिंग के बारे में, क्या हुआ था लाइनअप में, जो चेंजेस हुआ। तो कल यहाँ पे अमित भाई का एक पॉडकास्ट आया था, उषा शर्मा का एक वीडियो आया था, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो जहाँ पे अमित भाई बात करते हैं जो भी यहाँ पे चेंजेस हुआ, फिर उनका यहाँ पे क्या गोल है, कैसे वो टीम ज्वाइन किए मेडल स्पोर्ट्स के वो अभी पार्ट है। तो वो यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं क्यों कार्निवल गेमिंग चेंजेस हुआ, क्या इशूज आ रहा था, छोटा सा क्लिप देख सकते हो। ऐसा सीन था कुछ कि मतलब प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ खेलने का वो जो मन था, वो जो मोटिवेशन था, वो सब काइंड ऑफ खत्म हो चुका था। प्लेयर्स मतलब ऐसी ऐसी बातें ही बोल रहे थे कि इन लोग के साथ खेल के परफॉर्म करने का मन नहीं करता, वो मोटिवेशन नहीं आता, मन नहीं करता, अच्छा मतलब कुछ करना है वैसा भी नहीं फील होता, वो मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो मतलब ये चीज़ होनी थी कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने थे। सन जैसे अभी मान लो आप और मैं टीममेट है, हमारा एक है मतलब बीच में सिनर्जी है गेम का कि हमारा सेम माइंडसेट है, हमें जीतना है, हमें परफॉर्म करना है। हाँ। एक टाइम पे आगे जाके मेरे को लग रहा है कि आपके अंदर वो एब्सेंट हो गया है, वो पार्टी चला गया है, चला गया। हाँ। जो भूख थी आपके अंदर वो जा चुकी है। हाँ। या बाकी और भी लोगों के अंदर जो भूख थी वो डिफरेंट हो चुकी है, या मेरे मतलब कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट चीजें बिल्ड हो गई है दिमाग में और वो चीजें निकल नहीं रही, आपने ट्राई कर लिया, कुछ डिफरेंसेस बन गए हैं जो कि सॉर्ट नहीं हो पा रहे। तो वो जो अंदर डिफरेंसेस बने थे वो मतलब
नहीं हो पा रहा था, हमने बहुत ट्राई किया, हमने 10 बार मीटिंग करी, प्रॉब्लम्स को खुल के शेयर करा, बात करा, सब कुछ करा, क्लियर तक करा, बट वो जब उसको प्रैक्टिकली वर्कआउट करने की बात हो रही थी तो वो अंदर कहीं ना कहीं वो चीज रही जा रही थी, मतलब मुंह से बोलने के बाद भी एकदम क्लियर टू क्लियर कट टू कट वो गेम पे शो हो रहा था। हाँ, वो सॉर्ट नहीं हो पा रही थी चीजें, वो अगर आप बीजेएस का फाइनल स्कोर देखोगे तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कुछ खास चीजें कर रहे थे, जो टीम को करना था कि फाइट लेना है, फाइट में कॉन्फिडेंस है, वो फाइट भी नहीं ले पा रहे थे, बट वो चीज जो एक है वो मिसिंग हो गई है। और वो सबके अच्छे के लिए है कि अगर हो, मतलब एक ऐसा भी कन्वर्सेशन था हमारी टीम मीटिंग में जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए पर ठीक है, कि मे भी हम 6 लोग 6 अलग जगह जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर शायद हम 6 लोग साथ में मिलकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नो, आई मीन ये काफी, बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर हर कार्निवल फैन को, हर गोहान फैन को शायद ये एक हार्ट ब्रेक की तरह ये लाइन लगे, आई डोंट नो, बट हां मतलब ये वही है जो उस पर्टिकुलर मीटिंग में बात हुई है और इससे ऑलमोस्ट मतलब सारे लोग एग्री भी कर रहे थे जितने भी लोग टीम में थे। और ये एक चीज मैं मानता हूँ कि बहुत नेसेसरी था, वो है टीम में चेंज होना, और टीम में एक से ज्यादा चेंज होना बहुत नेसेसरी था, एक चेंज से भी कुछ नहीं होना था। और डिफरेंसेस प्लेयर टू प्लेयर हो गए थे, ऐसा भी नहीं कि एक प्लेयर के साथ था, पहले का दूसरे के साथ है तो तीसरे का दूसरे के साथ है, तो मतलब ऐसे भी प्रॉब्लम थी। अब होपफुली एक प्लेयर चेंज करके वो चीज सॉर्ट कर ले वो लोग तो बहुत अच्छा है, अभी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा मोटिवेशन वगैरह। अब ये कुछ चीजें था जो कि यहाँ पे अमित भाई ने कल क्लियर किया था, रिप्लाई दिए थे, फिर उसी के साथ कल ओमेगा भाई स्ट्रीम कर रहे थे जहाँ पे वो भी बात करते हैं। अब वो एग्जैक्ट तो नहीं बताते हैं क्या सीन हुआ था, क्या बातचीत हुआ था, बट वो भी सेम से बताते हैं कि बीजेएस के बाद टीम मीटिंग हुआ था, क्या डिसीजन लेना है, और उस टाइम अक्षत यहाँ पे ब्रेक पे जा रहे थे तो इसलिए एस पावर को टीम में लिए थे क्योंकि गन पावर का कमी था और एक न्यू प्लेयर का वो ट्राई करना चाह रहे थे, मतलब प्रॉब्लम्स तो टीम में आ ही रहा था, तो इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का सोचे थे। बीजेएमएस में यहाँ पे वही डिसीजन लिया गया, फिर यहाँ पे अमित भाई को भी बीजेएमएस में एक तरह से पोस्ट ब्रेक पे भेजा गया था, मतलब उस टाइम ओबेस को बोलो ट्राई करने वाले थे ऐसा ओमेगा भाई ने बताया। लेकिन बीजेएमएस के एक दिन पहले टीम यहाँ पे डिसाइड कर लेती है कि ओमेगा भाई को बेंच करेंगे और बाकी 4 प्लेयर खेलने वाले हैं। अब वो बाकी प्लेयर्स मिलके कुछ डिसाइड किए थे, अब क्या बातचीत हुआ था वो ओमेगा भाई बताए तो नहीं है, वो बोले कि किसी और दिन बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं रिवील करना चाहते अभी। तो देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें होता है टीम में, इश्यूज भी होता है जो कि यहाँ पे अमित भाई ने बताया कि प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेलना नहीं चाहते थे, कुछ यहाँ पे इंटरनल क्लैश चल रहा था। और फिर कुछ लोग पूछ रहे थे अक्षत के बारे में, तो वो बताते हैं कि जब वो यहाँ पे वो टीम लीव कर लिए थे उसके बाद यहाँ पे बीएमपीएस का इनविटेशन जा रहा था बहुत सारी टीम्स को कन्फर्मेशन के लिए, तो उस टाइम यहाँ पे अक्षत कार्निवल गेमिंग से ये रजिस्टर कर लिए थे एज अ 5th मैन। अभी वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे उनका डिसीजन रहेगा। फिर लास्ट मोमेंट में WSB से ओमेगा को ऑफर आता है और वो WSB ज्वाइन करते हैं। फिर उसी के साथ यहाँ पे वो कुछ चीज़ें और बताते हैं कि जो प्लेयर्स थे कार्निवल गेमिंग के उनका पहले से ही बातचीत चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें था जो उनको कहीं और से पता चला था कि क्या चेंजेस वो लोग करने वाले हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मतलब एक तरह से भाई जो यहाँ पे मायू भाई ने बोला था कि बाकी प्लेयर्स मिलके यहाँ पे बैक स्टेप किए ऐसा जो सीन था। अब देखो ओमेगा यहाँ पे क्लियरली तो अभी बताए नहीं है बट वैसा ही कुछ सीन हुआ है। तो जो भी है भाई, यहाँ पे जो होने का था वो तो हो गया, अब होप करते भाई हर एक टीम परफॉर्म करे। एंड चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो मुझे बताना था ये सभी न्यूज़ के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।